yet it is such an immense, illimitable grief. अब ये जो इनका दुख था वो बहुत ज्यादा था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, एक ऐसा दुख जिसे वो बोलने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे थे. Should his heart break and the grief pour out, it would flow over the whole earth, so it seems, and yet no one sees it. उनके दिल में ये जो दुख था वो इतना ज्यादा भरा हुआ था कि अगर उनका ऐसा होता है कि किसी तरह से उनका दिल फट जाता, उनका जो दुख था वो सारा बाहर आ जाता, पूरी धरती पर फैल जाता, ऐसा लग रहा था जैसे अगर दिल फट जाए, उनका सारा दुख बाहर आ जाए, फैल जाए, तो शायद कोई देखे, लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था. It has managed to conceal itself in such an insignificant cell that no one can see it even by day or with the light. ये जो इनका दुख था इन्होंने इस तरह से उसको छिपा रखा था, एक ऐसी शेल में छिपाए हुआ था कि ना तो चाहे दिन की रोशनी हो या रात की लाइट हो, कोई भी उनके इस दुख को ना तो देख पा रहा था ना महसूस कर पा रहा था. I am a sees a hall porter with some sacking and decides to talk to him. अब आयना ने तभी एक ऐसे कुली को देखा जो होटल में सामान लेकर अंदर जाता है, तो वो वैसे ही उसको देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इससे बात करूं. फ्रेंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टाइम इज इट, ही आस्क्ड. तो उन्होंने पूछा कि भाई दोस्त टाइम क्या हुआ है. पास्ट 9, व्हाट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, मूव ऑन. तो उन्होंने कहा 9 बज चुके हैं पर तुम यहाँ बीच रास्ते में कहाँ खड़े हो, हटो यहाँ से. आयना मूव्स ऑन अ फ्यू स्टेप्स, डबल हिमसेल्फ अप एंड अबैंडन्स हिमसेल्फ इनटू हिज ग्रीफ. अब आयना जो है फिर थोड़ा सा पीछे हट गए, उन्होंने फिर अपने आप को समेट लिया और फिर अपने ही दुख में अपने आप को भूल गए. He sees it is useless to turn to people for help. उन्होंने समझ में आ गया था बेकार है कि मैं लोगों से जो है हेल्प मांगू कि भाई मेरी बात सुन लो, ये सब मुझे लगता है बिल्कुल बेकार है. In less than 5 minutes, he straightened himself, hold up his head as if he felt some sharp pain, and gives a tug at the reins. He can bear it no longer. तभी 5 मिनट के अंदर ही उनको ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने आप को बिल्कुल सीधा किया, अपना सिर ऊपर ऊंचा किया, उनको जो है ना एकदम से बहुत तेज पेन सा महसूस हुआ, और उन्होंने जो है जैसे जो उनकी जो चाबुक थी उसमें उन्होंने थोड़ा सा खिंचाव सा दिया, क्योंकि उनको से जो दर्द था वो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था. द स्टेबल सी थिंग एंड द लिटिल हॉर्स एज इफ इट अंडरस्टूड स्टार्ट्स ऑफ एट अ ट्रॉट. तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो घोड़ा है, जहां तक मेरी समझ आती है, इसको जो है जैसे कहती है वो भी थोड़ा सा भागने की कोशिश कर रहा था, खिंचावट आई तो उसको शायद जो स्टेबल थी वहां पे जाना था. अबाउट एन आवर एंड हाफ लेटर आयना इज सीटेड बाय द लास्ट डर्टी स्टोव. अब लगभग 1.5 घंटे के बाद की बात है, आयना जो है एक बहुत गंदे से स्टोव के पास बड़े से वहां बैठे थे. अराउंड द स्टोव ऑन द फ्लोर ऑन द बेंचेस पीपल आर स्नोरिंग, द एयर इज थिक एंड सफोकेटिंगली हॉट. जो स्टोव था जैसे भट्टी जल रही होती है वैसे ही कोई होगी, वहां पर उसके फ्लोर पे जो है बेंचेस पड़ी थी और वहां पर जो है लोग सो रहे थे, खर्राटे ले रहे थे, हवा जो है वो काफी वहां पे धुएं की वजह से भारी हो रही थी और काफी जो है गर्मी थी वहां. आयना लुक एट द स्लीपर्स स्क्रैचेस हिमसेल्फ एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न्ड सो अर्ली. अब आयना जो है उन जो लोग सो रहे थे उनकी तरफ देखते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कहते हैं वो अपने को थोड़ा सा खुजाते हैं और फिर उनको लगता है कि क्यों मैं जो हूँ इतनी जल्दी आ गया. आई हैव नॉट इवन अर्न माई फोर्डर ही थिंग्स. उन्होंने कहा मैंने अभी तक तो जो है जैसे चारे के लिए भी कुछ नहीं कमाया है. दैट्स वॉट माई ट्रबल. अ मैन हु नोज हिज जॉब, हु हैज हैड इनफ टू ईट एंड हिज हॉर्स टू, कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली. उन्हें लगा कि मैं अभी कैसे सो सकता हूँ, ना तो मैंने अभी अपने घोड़े के लिए चारा कमा पाया हूँ, मेरा सबसे बड़ा क्या कहते हैं परेशानी तो यही है. एक इंसान जिसको अपना काम पता है कि उसके पास अगर खाने को काफी है, उसके घोड़े के लिए खाने को काफी है, तो वो ही जो है सिर्फ चैन से सो सकता है, मैं कैसे सो सकता हूँ. अ यंग कैब ड्राइवर इन वन ऑफ द कॉर्नर्स हाफ गेट अप ग्रंट स्लीपली एंड स्ट्रेच टूवर्ड्स अ बकेट ऑफ वाटर. एक यंग सा कोई टैक्सी ड्राइवर जो बिल्कुल कोने में लेटा होगा, आधा सोया सा आधा उठा सा था, वो जो है अपने थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ बढ़ाता है, स्ट्रेच करता है, क्योंकि उसे शायद पानी चाहिए था. डू यू वॉन्ट अ ड्रिंक, आयना आस्क हिम. तो उसने पूछा कि क्या, जो आयना थे उन्होंने उससे पूछा क्या तुम्हें कुछ पीने के लिए चाहिए. डोंट, आई वॉन्ट अ ड्रिंक. तो उसने कहा नहीं मुझे पीने के लिए चाहिए. दैट्स सो, योर गुड हेल्थ, बट लिसन मेट, यू नो माई सन इज डेड, डिड यू हियर दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी. अब तो क्या कहते हैं आयना बोलते हैं हाँ वही तो,
और तुम्हारी सेहत अच्छी रहे। पर तुम सुनो, क्या कहते हैं, तुम्हें पता है मेरे लड़के की डेथ हो गई, तुम सुन रहे हो ना, इसी हफ्ते हॉस्पिटल में। बहुत लंबी कहानी है। आई नाउ लुक्स टू सी व्हाट इफेक्ट्स हिज वर्ड हैव बट सीज नन। द यंग मैन हैज हिडन हिज फेस एंड इज फास्ट असलीप अगेन। अब आयना जो है ना, जब उसकी तरफ देखता है कि शायद उसके जो उसने बोला है उसका जो सामने वाला था उस पर क्या असर पड़ा है, पर कोई असर नहीं पड़ा था। क्योंकि क्या हुआ, उस यंग आदमी ने जो है अपना फिर चेहरा जो है अपनी जिसमें चादर में छिपाया और फिर वो जो है गहरी नींद सो गया। द ओल्ड मैन साइज एंड स्क्रैचेस हिज हेड। अब ओल्ड मैन ने फिर जो है, यानी आयना जो थे, उन्होंने फिर गहरी सांस ली और सिर खुजाने लगे। जस्ट एज मच एज यंग वन वॉन्ट्स टू ड्रिंक, द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू टॉक। जहां एक तरफ जिस तरह से वो जो यंग आदमी था वो पानी पीने के लिए डेस्परेट हो रहा था, वैसे ही जो ओल्ड मैन थे वो बात बताने के लिए जो है बहुत ज्यादा इच्छुक हो रहे थे। इट विल सून बी अ वीक सिंस हिज ओल्ड सन हिज सन डाइड एंड ही हैज नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट प्रॉपरली टू एनीवन। लगभग एक हफ्ता हो गया था उनके लड़के की डेथ हुए और वो जो है अपने इस दुख के बारे में किसी को अभी ठीक से बोलकर बता भी नहीं पाए थे। वन मस्ट टेल इट स्लोली एंड केयरफुली हाउ हिज सन फेल इल। अगर उन्हें अपनी बात बतानी है तो उसे धीमे धीमे बताना होगा, ध्यान से बताना होगा कि किस तरीके से उनका लड़का बीमार पड़ा, हाउ ही सफर्ड, किसको कितनी ज्यादा उसने परेशानी झेली, व्हाट ही सेड बिफोर ही डाइड, हाउ ही डाइड, उसने मरने से पहले क्या कहा, वो कैसे मर गया। वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फ्यूनरल एंड द जर्नी टू द हॉस्पिटल टू फेच द डेड सन्स क्लोथ्स। वो सब कुछ बताना चाहते थे कि किस तरीके से उसका लड़के का फ्यूनरल हुआ, किस तरीके से वो जो हॉस्पिटल गए ताकि वो जो अपने लड़के के क्लोथ्स हैं उनको ला सकें। हिज डॉटर एनीसिया हैड रिमेन इन द विलेज, वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू। वो उनकी जो लड़की एनीसिया है जो कि अभी गाँव में ही है उसके बारे में भी बात करे। इट इज़ नथिंग ही हैज़ टू टेल। कुछ नहीं था उनके पास बताने के लिए जो वो बताना चाहते थे। Surely the listener would gasp and sigh and sympathize with him. It is better to talk to women. Two words are enough to make them so. उन्हें एक ऐसा सुनने वाला चाहिए था जो उनको संतावना देता, उनके साथ आहें भरता, सांसें भरता, उन्हें वैसा चाहिए था। तो वहां पर कोई सुनने वाला ही नहीं मिल रहा था। तभी उनको लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि वुमेन से बात करो, कम से कम उनको दो शब्द बोलो तो वो जो है फौरन रोने लगती है। I'll go and look after my horse, thinks Ayuna. There's always time to sleep. No fear of that. फिर उनके तो मन में आता है कि क्यों ना चलो मैं अपने घोड़े को देखता हूँ जाके, सोने के लिए तो हर वक्त पड़ा है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। He puts on his coat and go to the stable to his horse. अब वो जो है क्या कहते हैं, एकदम से उन्होंने अपना कोट पहना और फिर अस्तबल की तरफ चले गए अपने घोड़े के पास। He thinks of the corn, the hay, the weather. अब वहाँ उनके दिमाग में कॉर्न लेकर, हे जो की घास फूस होती है वो, और मौसम लेकर जो है दिमाग में चल रहा था। When he is alone, he dare not think of his son. He can speak about him to anyone, but to think of him and picture him to himself is unbearable painful. जब वो जो है अकेले होते हैं तब वो अपने लड़के के बारे में नहीं सोचते। वो किसी से भी जो है बात कर सकते हैं, कैसी भी बात कर सकते हैं, पर अगर उन्हें अपने बारे में सोचना हो, अगर अपने लिए सोचना हो, जैसे कहना चाहिए अपने लड़के के लिए आप खुद के बारे सोच रहे हो, तब वो जो है उनके जो दुख होता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। आई यू टकिंग इन, आयना आस्क्ड हिज हॉर्स लुकिंग एट हिज ब्राइट आईज। गो ऑन टक इन, दो वी हैव नॉट अर्नड अवर कॉर्न, वी कैन ईट हे हे। तुम ठीक हो ना अंदर, आयना ने अपने घोड़े से पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उससे पूछा, ठीक है तुम वहीं अच्छे से रहो, आज हमने कॉर्न तो नहीं कमाया पर हम जो है हे खा सकते हैं। Yes, I am too old to drive. My son could have not I. He was the first rate cab driver. If only he had lived. अब वो अपने घोड़े से ही बोलते हैं कि भाई मैं बहुत बूढ़ा हूँ इस ले को चलाने के लिए, मेरा लड़का होता तो वो ज़्यादा अच्छा चला लेता, वो नंबर वन का टैक्सी ड्राइवर था, और आज वो अगर होता जिंदा तो वो सबसे नंबर वन का टैक्सी ड्राइवर होता। आयना इज साइलेंट फॉर अ मोमेंट देन कंटिन्यूज। फिर आयना जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। That's how it is, my old horse. अब वो अपने घोड़े से बात कर रहे हैं कि ऐसा ही होता है। There is no more Kuzma Ainich. कोई जो है Kuzma Ainich अब नहीं है। He has left us to live and he went off pop. उस वो हमें जीने के लिए छोड़ गया है, हमें रहने के लिए छोड़ गया है, पर खुद चला गया। Now let's say you had a foal. You were the foal's mother and suddenly let's say that foal went and left you to live after him. It would be sad, wouldn't it?
अब वो घोड़े को जो है अपनी दुख बताते हुए बोल रहे हैं कि सपोज करो तुम्हारे एक बच्चा होता, तुम उस बच्चे की माँ होती और सडनली वो तुम्हारा बच्चा जो है चला जाता और तुम्हें अपने पीछे अकेला रहने के लिए छोड़ जाता, तो ये बहुत बड़े दुख की बात होती होती ना। द लिटल हॉर्स मंचेस लिसन्स एंड ब्रिट्स ओवर हिज मास्टर्स हैंड। अब वो जो घोड़ा था वो खा भी रहा था, उस जो है ध्यान से बातें भी सुन रहा था और फिर उसने जो सांस ली वो अपने जो मास्टर का हाथ था उसके ऊपर ली। द आयनास फीलिंग्स आर टू मच फॉर हिम एंड ही टेल्स लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी। आयना की जो फीलिंग्स थी वो इसके लिए इतनी ज्यादा थी कि उसने जो घोड़ा था उसी को ही अपनी स्टोरी सुना दी। मतलब उनको कोई एक इंसान नहीं मिला जिसको वो अपनी दुख भरी बात कह सकते, तो फाइनली उन्होंने अपनी उस पूरे दुख को जो है अपने घोड़े से कह दिया। अब थोड़ा सा ऑथर के बारे में जान लेते हैं। एंटन चेकोव वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास फैमिली इन रशिया। इस स्टोरी के जो ऑथर हैं वो एंटन चेकोव हैं, 1810 से 1904। ये पैदा हुए थे एक मिडिल क्लास फैमिली में रशिया के अंदर। ही स्टडीड मेडिसिन एट मॉस्को यूनिवर्सिटी। इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करी थी मॉस्को यूनिवर्सिटी से। हिज फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी अपीयर्ड इन 1880 एंड इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स ही प्रोड्यूस्ड मोर देन 600 स्टोरीज। इनकी जो पहली शॉर्ट स्टोरी थी वो 1880 में आई थी, लेकिन अगले 7 सालों में उन्होंने लगभग 600 ऐसी ही और शॉर्ट स्टोरीज लिखी। ही ऑल्सो रोट प्लेस सीगल, अंकल वानिया, द थ्री सिस्टर्स एंड चेरी ऑर्चर्ड्स आर अमंग द मोस्ट फेमस वन। इनके इन्होंने कई प्लेस भी लिखे जिसमें सीगल, अंकल वानिया, द थ्री सिस्टर्स और द चेरी ऑर्चर्ड्स ये काफी फेमस हुए। हिज वर्क ग्रेटली इन्फ्लुएंस द मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी एंड ड्रामा। उनके काम ने जो है आजकल की जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज हैं या ड्रामा है इसको काफी प्रभावित किया था। द मेन थीम ऑफ चेकोव्स शॉर्ट स्टोरीज इज लाइफ पैथोस कॉज्ड बाय द इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टू रिस्पॉन्ड टू और इवन टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। जो मेन थीम होती थी चेकोव्स की शॉर्ट स्टोरीज की वो इन लाइफ के दुख को लेकर होती थी जो हमारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी जो नाकाबिलियत है कि हम रिस्पॉन्ड करें या हम एक दूसरे से बात करें, इस चीज को जैसे हम इसी स्टोरी में था कि उनको दुख था, वो दुख अपना किसी से बांट नहीं पा रहे थे, तो इसी तरीके से चेकोव्स की जो शॉर्ट स्टोरीज होती थी उनकी मेन थीम यही रहती थी। द प्रेजेंट स्टोरी इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट ब्यूटीफुली। ये जो हमारी स्टोरी है ये इस पॉइंट को बहुत ही खूबसूरती से बताती है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।